अगर बाबी हजूर सलाम ने जैसे पूछा बे पुत रहा तू जरा जी चाहना मेरा माल खर्च कर दिया तो शेर पहला सुना शेर सुनाए तो हजूर सलाह तो सलाम ने आख्या पहला रसूल नबी तो असं अगे भी तेनों मनते मगर रोज़ कोई ना कोई गल हो जाती जेना ईमान बच जाता मेरी वो गलों का किनू पता से जड़िया मैं दिल की ये अल्लाह ही तेनों दसिया तो तू दसिया ना तो शेर उन्हें सुनाए तो हुई मैं तेनों सुबह शाम दुध पिया रहा तो इस तरह तू बीमार हो जाता सारी रात मैं जागता रहा तेनों नींद आ जाए तो हूँ आ हाल होया मैं तू जवान होया मैं बुढ़ा हो गया ऐसे तेरी मर्जी जरूरत पई तो तू मैनू ना समझदा मेरा बाप है कम अज के मैं ही समझदा भी गुआच कोई गरीब आदमी बसदा तू उन्हें सलूक ही मेरे कर लेता वो भी ना किया हजूर पाक ने जिस सुनिया अल्लाह के रसूल रोंदे रहे बहुत रोए और फिर आपने इस बच्चे में इतों फड़ लिया और फरमाया अंता का माल कर लिया बिग तू और तेरा माल सब बाप का इस बाद अगर मैं शिकायत सुनी तो बहुत तू सदा पावेगा कौन जो तुम जमे बजे अब्बा खर्च करता उन्हें आख्या हजूर इन पुछो भी यदा अब्बा किधर लै जाता यदिया फूफिया यदिया भैन दो ना मैं मिलदिया मैं उन्होंने सलूक ना करा हजूर रोए इतों फड़ के आख्या मैं तू कि शिकायत कर रहा आ गया इस पारों दुनिया भुल जाती है कुरान पाक इसे तो अपनी किताब सूरा अपनी इसराइल चाहता वरात कुल माफन वो होर गल से बड़ी कही ऊँ भी ना कही इन्हों ये भी बड़ी बेदबी है बे तू जो तू गुस्ताखियां करता सी तंग करता सी इन्हें कभी बुरा मनाया तेनों कोई आख्या मुड़िया तू क्यों करना सगों राजी होंदे रहे सारा पुत नखरे करता अज इन्ह की वारी आई तो तू गिले करना भी बाबा की आता सारा हो गई उम्र 94 बरस की छड़ दे हिरस नमाणी बंदा बुढ़ा हो गया तो बाबा दया सिंह समझाता तू छड़ की तू औलाद दे मगर पिया से तवक्को रखना रब से भरोसा कर हो गई उम्र 94 बरस की छड़ दे हिरस नमाणी दुध दही की मालिक बन गई बैठी पकड़ मदाणी नौ ने आन बेदावा दिता सीस राजे की राणी है मलका आँदी सी घर की राज यदा सी आई है हूँ उन्हें कंट्रोल संभालिया नौ ने आन बेदावा दिता सीस राजे जी ने बेदखल कर दिता और दुध दही की मालिक बन गई बैठी पकड़ मदाणी करदे कर दे आप करेंदे पुछदा कौन सियाणी रब किराए की कभी गल करनी तो मैं अपनी मर्जियां कर दी किसी ने खबर भी नहीं ली बाबा अम्मी तुम भी कुछ आते नहीं हर कोई कहता घर नहीं रखनी सुट दो चीज पुराणी दया सिंह दुनिया में वेखो हर कोई चाहता हाणी अपने रंगा च लग जाते गल सारी भुल जाते इस नालायक ने शिकायत की ना तो बाप ने आख्या यदिया फुफिया तो भैन योजी है ना जिन्होंने मैं दिना होर मैं कि याशी करना शिकायत करना आ गया हजूर रोए और इतों फड़ लिया है एक पास हजरत जाबिर रजी आखो दुनिया बिगड़ गई है और ये साड़ी अपनी करतूत है बजेनुआने असी तरक्की दरामद कर ली यूरोप का सारा को बुला इलम हो रहा स्कूल कॉलेज हो रहा अखबारों का की इन्हें दिता यूरोप ने शाम ने मसीह दिता ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी की खबर इतने पहुंची माड़े चंगे ईसाई हो गए उन्हें दीन दिता नेकी दिती परहेजगारी इन्होंने शाम तोहफा शराब देती कंजरियां देतियां रक्स देते इन्हें जरा सारे जान दिता कभी ये मगरब की तरफों कोई नौकर भलाई नहीं इस तरह के मगरब शैतान नंडे दिते मशरक नबी आए इधर अल्लाह के रसूल आए जिन्होंने दुनिया को चज की गल दसी ये मगरब की है यूनान है तो रोम है तो हूँ उन्होंने वारस है सारा यूनानी रूमिया का वरसा यो ही नाच गाने बदमाशियां सारे जान में दसता कुड़िया मुंडे इसे रंग चरंगे गए बैद भी जमने से हजरत जाबिर जी ने किया उसके दिन अल्लाह के रसूल सलाम के सहाबी हजरत जाबिर के वालिद वो भी सहाबी हजरत अब्दुल्ला उन्होंने बुलाया और कहा बेटा जाबिर गल सुन मैं अपने रब को बहुत दुआं मंगिया भी अल्लाह मैनू शहादत नसीब करे तो अज मेरा यकीन है भी जोड़ा पहला ग्रुप ही शहीद होना उस लाइन से मैं भी होना तो मैनू दुनिया छड़ दिया कोई गम नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं मैं शहीद होना शौक ना चाहना मगर मेरे दिल से एक बड़ा बोझ है बड़ा भार है मैं तू एक पुत्र है मेरा तो तेरिया नौ पैड़ा मैनु कोई गरंटी दे ते मेरे दाल तो बाद बच्चिया जड़िया उन्होंने फर्क ना महसूस हो वो घर आऊँ चेंज ना मारो मैं बेच घरों नहीं रहा ये सब बेदा कर नहीं तो कोई नवा ही कर हजरत साहब जाबिर ने आख्या अल्लाह दे रसूल अब्बा जी तुसी बेफिक्र जाओ तुहानू यह शिकायत नहीं पैदा होंगी तुहानू यह सदमा कभी नहीं वेखना नसीब होगा जाबिर अपन पैरों संभालूगा एक बेटा बागों का मालिक तो औरत बेवा कर ली कुंवारी नहीं की बेवा तो एक सफर तो वापस होंदया हजूर अलैहि सलाम ने मैं पूछा भी जाबिर शादी कर ली क्या हाँ यार रसूल अल्लाह ने फरमाया बिक्र सही
कंवारी है कि बेवा उन्हें आख्या बेवा तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तू जवान सी इको बाप का बेटा सी तू कोई कंवारी औरत कर लेंदा चलो दिन चार खुशी ना अपने लगाऊंगी। उन्हें गल सुनाई अपने अब्बे जी दिखाने का या रसूला मैं वेख्या जे योजी मैं कोई लाया ना तो अभी अपनी रंग रलियां लग जाना ये भैना रुल जानी है कुछ की शादी हुई है कुछ अजे बैठी हाँ मैं अपनी जिंदगी जी कुरबान करता अपने जज्बात जोड़े इन छुरी फेरती एक सियानी उम्र की लाया बेरू मां बन के संभालू तो हदीसे पाक चाहता रसूले करीम इन्ने खुश होए जो उस एक मौका से हजूर ने 26 बारी दुआ मंगी कि अल्लाह जाबिर नू बख्श दे और दीन की दसदा इन छड़ के कोई खटिया कोई लब्भा केबल लाते टीवी लाते कंप्यूटर लाते जहर एने ने बच्चे वेखी जाते उदन पता लगेगा जिदन या कोई गर्ल फ्रेंड लै आए या बॉयफ्रेंड फिर समझ आऊगी कि बीज असी बेजे दीन ना सिखाया इन्हों तंदा च पाता वो छोटे छोटे वही सब कुछ वेखी जाते वही काम उन्होंने करने न मगर अन्ने हो के सारा जान मगर लग गया कह वाली गल कोई नहीं रही ना कोई सुनता ना पुछता मगर दीन ये आता भी भाई वो कम करो तुहाडी दुनिया जी कोई इज्जत करे है कोई तुहानू अच्छा जाने। अज ही मैं कलम पढ़ रहा सी रफीक डोगर का उन्हें आख्या कि बाबा सरहद से उन्होंने पिंड आ वो बाबा एक अफसर न मिलन गया ट्रैक्टर जरा बुलडोजर बुलडोजर किराए से लैना यानी जमा करवानी सी फीस उन्हें पा सरकारी फीस जमा कर लो सानू बुलडोजर दो अफसर अंदर बैठा खबीस तो चपड़ासी आता साहब से फर गई कोई चोरी वेले बाबा बहुत देर खड़ा रहा जो नहीं उन्हें गल सुनी तो ना अंदर बुलाया तो उन्हें ना पर करके उन्होंने आखना मैं सलाम तेन कर लैन मैं कुछ नहीं हूँ इन कहना सलाम करके जाना और सलाम कर लगे उन्हें आख्या गल सुन तू किसी बड़े कमीने खानदान का और तेरी माँ कोई बड़ी बेवकूफ औरत सी जिन्हें तेनों व्डिया का अदब करना नहीं सिखाया मैं सरकारी फीस जमा करवानी तेरी ये ड्यूटी से भी तू लै ला तुहाडा सरकार का ही भला सी ना तो मैनू बुलडोजर किराए से देना तू गल नहीं सुनी मैं हूँ बुलडोजर कोई नहीं लैना ना फीस जमा करवा सिर्फ तेनों ये कह के चलिया ब जे किसी माँ का तू जनया हों कम से कम इन्हें तो सिखाऊंगी तेनों भी वही उम्र के बंद का अदब करता कदों का मैं बुढ़ा खड़ा और तू मैनू बुलाना ही नहीं चाहिए है जा कम कर बाद नौकर दौड़े भजे उन्हें आख्या नहीं जाओ कम करो जो मैं उन्होंने कहना सी कहता किसी खानदान का होंगे ना तो तेन इन्नी अकल तो होंगी भी मत तो उन्होंने अच्छा सलूक कर तो जे कोई मिलना आए अदब ना तो पेश आ तू जड़ा भी नहीं कर सकया तो पता लगता तेरी माँ कोई नालायक औरत सी और तू किसी कमीने खानदान का बंद हैगा भी है जिन्हें कमीने खानदान से अफसर लग जाते ना वो अपने देन चुके समझते भी कमी कमीने थले दू तंग करते पर नेक लोगों दरवाजे से खड़ा रखते बिचों अपने पता हों मैं छोदा अगर वो कोई खानदानी होना अदब ना बिठाउन बाबा जी आओ गल करो दसो नहीं कुछ नहीं तो सारी बरकत दीन दी अज के नतीजे च आदमी ना कोई अच्छा काम सीखता आप भी राजी रहिंदा अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे आख बदी समर दी ते पले बन की गल यही है बे दुनिया रहन की जगह नहीं किसी की कोई पता नहीं कदों बारी आ जानी है ना इतने कोई तंदुरुस्त है ना बुढ़ा कोई नोटिस नहीं आना बे तू हूँ जवान है तो तू नहीं मरना जवान भी जा रहा है रगड़ते हैं तो दुनिया दुआवा मंगती है बे अल्लाह इन्हां ते आसानी कर मर नहीं रहा मेरी अपनी फूफी से इन्नी बुढ़ी हो गई सुक के तीला हो गई बीबी हाजरा सारा जहान आता पता नहीं ये खुदा इन्हू क्यों नहीं उठाता नहीं उठाया है दामाद उठ गए पुत उठ गए सारे खाउंद उठ गया बहुत मुदत बाद बेचारी मरी इस तो मौत किसे दे अपने काबू कोई नहीं चाहे तो बच्चे नू लै जाए चाहे बुढ़ा होके भी ना मारे इस पारों ही बड़ी प्यारी गल कही लाहौर जड़े लोग जाते उन्होंने पता कि शाह चिराग रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी है उन्होंने मस्जिद है मस्जिद शाह चिराग ये मुगल दौर से तो मुगलों का बहुत बड़ा वजीर होया वड्डा वजीर आजम शाइस्ता खान तो शाह चिराग रह खत दो सत्री है पंजाबी मैं पढ़ना गल इन्नी है जी अपने दिल से लिख लिखिया शाह चिराग शाइस्ता खान पींगे एक दिन टुट सें भावें चढ़ी अज आसमान भावें तू अज आसमाना से छुड़िया फिरना एक दिन यह पींग टुट जानी एक दिन उम्र की डोर ने टुट जाना गुड्डी जग हमेशा नहीं चढ़ी रहनी लिखिया शाह चिराग शाइस्ता खान पींगे एक दिन टुट सें भावें चढ़ी अज आसमान कुछ खावना कुछ पीवना कुछ करना याद रहमान नू चाहिए गर्ब ना कीजे इस गौर दे मेहमान एक कबर का प्रौना कोई पता नहीं कदों चुके लोग जाके उत्थे रख आउण चाहिए गर्ब ना गे इनू गुरूर नहीं करना चाहिए
कोई आकड़े ना कोई दम मारे।